विधायक जालिम सिंह गोटे गांव गोलीकांड में अपने परिजनों के नाम को घसीटे जाने से खासे खपा हैं। उनका आरोप है राजनीतिक षड्यंत्र के अंतर्गत उनके परिवार के लोगों को इस प्रकरण में बेवजह उलझाया जा रहा है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी है, मोहन का नाम भी है, प्रवल का नाम भी है। रात की घटना है, शादी से कुछ बच्चे लौट रहे थे, पुलिस वाले हैं ईश्वर होमगार्ड में 14 वर्षों से दो बच्चे हमेशा उत्पात वगैरह करते रहते, तो दो यहाँ के दो बच्चों के साथ मारपीट कर दी उनने। बाद में वो बच्चे उनके यहाँ गए होंगे, उनके पिताजी कह रहे थे, बाकी ये जिनने मारा फिर से लौट के जाके उनके घर के सामने मारपीट हुई और सामान्य सी घटना हुई थी, मारपीट हुई। और इससे पुलिस वाले का लड़का और वो उसके साथ जो रहते हैं वहाँ गोली चलाई और वो गोली चल के वो उसी के साथ वाले को लग गई। अब उसमें इसके बाद FIR में मेरे बेटे मोनू हैं जो जबलपुर में थे, उन पर प्रबल भी बाहर थे, उन पे राजू राजपूत और दीपक सोनी पार्थक थे पहले, मोनू शर्मा, राजेश, जो राजेश थे, राजेश राजपूत है जो परिया होशंगाबाद में थे, इनकी जबकि लोकेशन वगैरह निकलवाएं, फुटेज निकलवाएं तो पता लग जाएगा कौन कहां था। वहीं नरसिंहपुर SP गुरुकरण सिंह ने मामले को दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ तेज कर दी है। SP का कहना है कि गोलीकांड के किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। 307 की कायमी कर ली गई है, 20 करीब आरोपी हैं, 12 नामजद आरोपी हैं, 8 अन्य आरोपी। सर मंत्री पुत्र का भी नाम आ रहा है इसमें, एक आरोपी जो है वो प्रबल पटेल हैं और एक आरोपी मोनू पटेल भी हैं। सर किस बात को लेकर ये इतना बड़ा झगड़ा? इनका पहले से विवाद रहा है, झगड़ा रहा है, पहले से ही जानते हैं दोनों, पर कल किसी बात को लेकर इनकी आपस में मनमुटाव जो था उस वजह से इनकी लड़ाई हुई। सर गोली वोली भी चली? वो वेरीफाई किया जा रहा है अभी, किसी को एक आदमी को गनशॉट इंजरी है, वो भी रेफर्ड है जबलपुर में, जैसे उसकी रिपोर्ट आ रही है वैसे वैसे क्राइम की जा रही है। कितने लोग गिरफ्तार हुए सर? अभी गिरफ्तारी चल रही है, टीमें बनाई गई हैं, चार टीमें बनी हैं, वो पूरे क्षेत्र में छापेमारी कर रही हैं। ये पहली बार नहीं है जब गोटे गांव नरसिंहपुर में हुई किसी भी वारदात में जालिम सिंह और उनके परिजनों का नाम सामने ना आया हो। अब ये अलग बात है, इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। वहीं पीड़ित परिवार बुरी तरह डरा और सहमा हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी पुलिस प्रशासन राजनीतिक हस्तक्षेप के बावजूद आरोपियों पर क्या कार्रवाई करता है।